प्रयागराज और प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र प्राचीन शनि मंदिर पुष्परा जंगल में आज हम भगवान शनि के दर्शन के लिए उनके गर्भगृह में मौजूद हैं। ये भगवान शनि आप देख रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन शक्त पीठ जो प्रयागराज प्रतापगढ़ मार्ग पर विश्वनाथगंज से 3 किलोमीटर दूर बकुलाही नदी के तट पर उसके जंगल पुष्पुरा में स्थित है। ये स्वयंभू भगवान शनि महाराज, यहाँ एक बहुत बड़ा टीला था, परमानंद महाराज जी यहाँ खुदाई कर रहे थे, इनको भगवान शनि की मूर्ति मिली और उन्होंने यहाँ स्थापित की। संस्थापक उनके पुत्र मंगलाचरण जी आचार्य जी हमारे सामने ये मौजूद है। परमानंद जी महाराज ने ये मंदिर बनवाया और मंगलाचरण जी महाराज ने इसको भव्य और दिव्य रूप दिया। ये करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कई बॉलीवुड आज महाराज जी के सुपुत्र के लोग आके यहाँ बनाया दिया है कि शायद भगवान शनि की महिमा और शनि महाराज कई फिल्म वेब सीरीज पर महान कृपा रहती है, हमारे न्याय बन चुकी है। उस पर सानिध्य प्राप्त हुआ हम लोगों को और बड़ी के मंदिर में स्थित भगवान शनि देव परम कल्याणकर्ता न्यायाधीश और जीव के परम हितैषी हैं। यहां आकर शनि महाराज के दर्शन करने से व्यक्ति परमानंद का आनंद लेकर समस्त मनोवृत्तियों का त्याग कर उच्च स्तरीय महात्मा बन जाता है। यहां शनि देव के दर्शन से ज्ञान, धन, कीर्ति, मुक्ति, सुख, शांति सुलभ हो जाती है तथा क्लेश, दुख, भय, द्वेष खत्म हो जाते हैं। यहां शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो भक्तगण हैं वो शनिवार को यहाँ के शनिदेव के दर्शन करते हैं, शनि मंत्र का जाप करते हैं और भगवान शनिदेव को तिल, काले तिल, काला जौ, काला कपड़ा आदि चढ़ाते हैं तथा पास ही स्थित पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान शनि की कृपा का पात्र बनते हैं। ये भगवान शनि का गर्भगृह है जहाँ भगवान शनि ये विराजमान है। ये स्वयंभू हैं। पौराणिक में और पुरातत्व विद्याओं के अनुसार ये जो मूर्ति है ये रामायण कालीन है। स्थानीय पुरोहितों की दंतियों के अनुसार यहाँ प्रयागराज से संत कुश लेने आते थे और उन्होंने ही यहाँ रामायण काल में इस मंदिर की स्थापना हुई। बाद में ये पहाड़ रूप में बन गया और जब इस पहाड़ की खुदाई परमानंद महाराज जी जो इसके संस्थापक हैं वो कर रहे थे, उनको ये मूर्ति मिली और उन्होंने फिर यह मंदिर बनवाया। धीरे धीरे मंदिर भव्यता को प्राप्त करता चला गया। बकुलाही नदी के तट पर स्थित ये मंदिर अत्यंत भव्य और करीब 15 एकड़ से ज्यादा इस जमीन पर फैला हुआ है। यहाँ गेस्ट हाउस, सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी और यज्ञशाला स्थापित है। भगवान शनि के दर्शन मात्र से यहाँ लोगों का कल्याण होता है। भगवान शनि जो न्यायाधीश हैं, प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं, हर जीव के साथ, हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं, न्याय के देवता हैं। जो लोग अनुचित कार्य करते हैं शनि महाराज जी को दंडित करते हैं। ये शनिदेव धाम मंदिर में जहाँ भी अपने राजकीय प्रयोजन या
किसी धार्मिक स्थल पर जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ की जो देवता भक्ता है और जो भगवान के दर्शन है वो आपको मैं करवा सकूँ। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ की जो पौराणिक महत्वता है और जो ऐतिहासिक महत्वता है उसके बारे में जो है मैं आपको विस्तृत रूप से बताता रहूं। ये शनिधाम मंदिर का प्रांगण और ये यज्ञशाला और इसी में जो है इसके जो संस्थापक थे परमानंद महाराज जी, उनकी ये मूर्ति, यही परमानंद महाराज थे जिनको ये मूर्ति मिली और उनको सपने में जो है शनि महाराज ने बताया कि यहाँ मेरा भव्य दिव्य मंदिर बनवाइए। ये परमानंद महाराज अब इस दुनिया में नहीं है परंतु इनके द्वारा स्थापित जो है ये मंदिर आज करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु बना हुआ है और यहाँ के महंत इनके पुत्र मंगलाचरण जी यहाँ की व्यवस्था को अब देख रहे हैं। ये मंदिर की यज्ञशाला है, कहते हैं कि यहाँ यज्ञ करने भंडारा करने से यहाँ समस्त लोगों के क्लेश दुख भय द्वेष खत्म हो जाते हैं। यहाँ शनिवार के दिन दूर दूर से भक्तगण आते हैं और एक यहाँ मेला लगता है, यहाँ बगल में बगलाई नदी है और यहाँ कुश का जंगल है। ये चारों तरफ ये बहुत भीषण जंगल था रामायणकालीन जंगल। यहाँ भरद्वाज आश्रम के जो ऋषि मुनि थे जो तीर्थराज प्रयाग में तपस्या करते थे वो यहाँ कुश रहने आते थे और इसीलिए इसका नाम कुशफरा पड़ा है। और ये कुशफरा के शनिदेव महाराज ऊँची पहाड़ी पर स्थित हैं जहाँ सीढ़ियों के माध्यम से ये आप देख रहे हैं जो सीढ़ियाँ हैं इनके माध्यम से जो है इनके गर्भगृह में पहुँच कर शनि महाराज के दर्शन होते हैं। शनिदेव को असुर भगवान का सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं